गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड रेडी टू स्टडी। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 11th, टॉपिक इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फोर्थ चैप्टर इन योर बुक, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप फर्स्ट टाइम जैसे स्टार्टिंग है आपकी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो हमने आपको क्लियर कर दिया था कि एसेट्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइब्रेटीज में कौन सी चीज़ें आती हैं और कैपिटल में क्या क्या आता है। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं हम आपको। असेट्स असेट्स में आती हैं आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड आती है आपकी, बिल्डिंग आती है आपकी, फर्नीचर आता है, कंप्यूटर्स आ सकते हैं आपके, गुडविल आ सकती है, पेटेंट आ सकते हैं, कॉपीराइट्स आ सकते हैं, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, स्टॉक, कैश एक्सेट्रा। लाइबिलिटीज में आपके आते हैं क्रेडिटर्स, लोन्स, बिल्स पेबल या टीपी आप बोल सकते हो, ये सारी चीजें आती हैं एक्सेट्रा। कैपिटल में क्या होगा, कैपिटल में आपको क्या करना है, अगर कैपिटल की बात की जाए तो प्लस करना है प्रॉफिट, माइनस करना होता है लॉसेस, इनकम कोई है तो वो प्लस करनी है आपने, कोई खर्चा है तो वो आपको इसमें से घटाना है। ठीक है, इन तीन चीज़ों पर, ये जो डिटेल्स मैंने आपको लिखवाई है ना, इन डिटेल्स पर आपका टॉपिक क्या है रहेगा आज का। तो एक बार इनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या बुक में गिवन है सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप बुक को भी रेफर कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है स्टॉक। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं बच्चों, तो स्टॉक में क्या होता है, देखिए स्टॉक बढ़ता है, मतलब स्टॉक में प्लस करेंगे अगर आप परचेज ऑफ गुड्स करते हैं तो, और माइनस करेंगे अगर आप सेल करते हो तो। कैश का देखिए, अगर कैश आ रहा है तो प्लस करोगे, मतलब अगर आप कोई सेल कर रहे हो तो कैश आएगा, और माइनस होगा अगर आप परचेज करोगे तो कैश में। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेटर्स। डेटर्स रिलेटेड टू होगा क्रेडिट्स, अगर आप क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर प्लस होगा, अगर आप पेमेंट टू डेटर मनी अगर होगा, इंफॉर्मेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स हो जाएंगे माइनस। क्लियर, इसी तरह से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का भी यही रहेगा, क्रेडिटर्स में अगर क्रेडिट परचेज रहेगा तो प्लस होगा, और पेमेंट होगी तो क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगी। क्लियर, अभी और देखते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आएगा क्योंकि ट्रांजेक्शन्स होंगे ना। तो देखिए, तो हमने लिख लिया है, देखिए आराम से एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, आपने क्या किया, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो एसेट साइड में देखिए क्या आएगा, ट्रांजेक्शन देखिए, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो आपको यहां पर दो चीजें देखनी है,
कमेंस मनी शुरू करना होता है, बिजनेस शुरू करते हो किसके साथ, कैश के साथ, तो बिजनेस शुरू करते हो जो कैश लगा जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। एक एस्पेक्ट हो गई और दूसरी एस्पेक्ट हो गई कैश, तो यहाँ पे कैपिटल हो गई और कैश। ढूंढना है आपको दो एस्पेक्ट्स ढूंढने बच्चों, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो हमने देखा दो बोथ साइड इफेक्ट क्या पड़ा, यहाँ पर तो आया कैश और इक्वल्स टू रहेगा लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। कैश कितना आया, कैश आया बेटे आपके पास 1,50,000। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इज इक्वल टू बोथ साइड। ये सिंबल का मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर होंगे, सो इक्वल्स टू लायबिलिटीज कुछ है नहीं और कैपिटल भी हो गई 1,50,000। क्लियर। नेक्स्ट परचेज मशीनरी, क्या खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो परचेज्ड मशीनरी खरीदी, तो आपके पास मशीनरी आ जाएगा ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदी, तो क्रेडिट हो गए तो आपकी क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स लगा लो, आपकी क्रेडिटर्स बन जाएंगे। ठीक है, मशीनरी आ गई एसेट में और क्रेडिटर आ गई लायबिलिटी में। क्लियर। देखिए यहाँ पे देखिए एसेट साइड में कैश प्लस में मशीनरी हो गई है आपके पास एसेट साइड में, लायबिलिटीज में आपके आ गए क्रेडिटर्स और प्लस में कैपिटल। एसेट कितने की खरीदी बच्चों, एसेट खरीदी, पीछे का बैलेंस हमें रखना ही है, पीछे के बैलेंस में देखिए कैश था 1,50,000 यहाँ पर, मशीनरी में जीरो थी, यहाँ पे भी जीरो थी, यहाँ पे 1,50,000। ट्रांजेक्शन नंबर टू, आपने खरीदी मशीनरी, कितने की खरीदी, 40,000 की खरीदी, आपने उसको पैसे दिए या नहीं, कैसे खरीदी, क्रेडिटर, क्रेडिट में खरीदी, तो क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे 40,000 से। ये क्वेश्चन है, सेकेंड ट्रांजेक्शन थी, इसको हमने करना है बैलेंसिंग। 1,50,000 में जीरो ऐड किया तो 1,50,000 ही रहेगा, प्लस में 40,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40,000 प्लस में, यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा था तो ये ट्रांजेक्शन जीरो ही रहेगी, ये हो गया 1,50,000। ट्रांजेक्शन नंबर थ्री, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या खरीदा, परचेज किया, क्या परचेज किया, गुड्स, गुड्स को खरीदा आपने, तो गुड्स किस में लिखते हैं हम लोग, स्टॉक में, तो आपकी स्टॉक क्या होती है, एसेट। नेक्स्ट लिखेंगे स्टॉक, कैश था आपके पास, मशीनरी थी आपके पास, अब एसेट साइड में आ गया स्टॉक, किस में खरीदा है, कैश में, तो दो इफेक्ट पड़ गए, एक स्टॉक पर और एक कैश पर, यहां बच गया क्रेडिटर्स और प्लस में कैपिटल, ये बैलेंस बचा हुआ था आपका। ठीक है, देखिए कैश कितना है, कैश था आपके पास 1,50,000, मशीनरी थी 40,000 की, स्टॉक था आपका जीरो, क्रेडिटर्स थे 40,000 के और कैपिटल थी 1,50,000 की। अभी क्या किया आपने, गुड्स खरीदा है 20 रुपीज का, 20,000 रुपीज का, तो सबसे पहले गुड्स आएगा, तो आपके स्टॉक सब कैश में खरीदा है या क्रेडिट में, तो कैश में खरीदा है, तो 20,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे क्योंकि स्टॉक आएगा, मशीनरी पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा 20,000 रुपीज से, और यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं, यहाँ पे भी कोई इंपैक्ट नहीं, बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, कैश में से 20,000 माइनस हो गए तो ये बच गए 1,30,000, मशीनरी बच गई 40,000 के एज इट इज, स्टॉक विल इंक्रीज बाय 20,000 एंड क्रेडिटर्स हो गए सेम है 40,000 एंड कैपिटल पे भी कोई इंपैक्ट नहीं है 1,50,000। देखिए बैलेंसिंग करते हैं, 1,30,000 प्लस 40, 1,70 और 20, 1,90, 1,90,000
40,000 प्लस 1,50,000, 1,90,000 दोनों बैलेंस हमारे क्या रह रहे हैं, इक्वल रह रही है। ओके नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते हैं, अगली ट्रांजेक्शन है आपकी परचेज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल को आपने बेचा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हमारे पास क्या था, कैश था हमारे पास, मशीनरी थी, स्टॉक था, क्रेडिटर कैपिटल, सोल्ड गुड्स। देखिए सबसे पहले गुड्स को बेचा तो स्टॉक विल डिक्रीज, और कैश में बेचा है तो कैश आपके पास आ जाएगा तो कैश विल इंक्रीज। क्या आपके पास दोनों है अकाउंट? बिल्कुल, आपके पास कैश भी है और स्टॉक भी है। तो हम इसी में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, कितने का बेचा है बेटे? ये आपने बेचा है 4,500 रुपीज का। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स दे रखी है 5,000, 5,000 के गुड्स को आपने 4,500 में बेच दिया। तो देखिए माल कितने का बेचा, 5,000 का, तो स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 5,000, माइनस है ना ये, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी इसको, माइनस होगा। और पैसे कितने आए, पैसे 4,500। भाई 5,000 के जो चीज़ है उसको आप 4,500 में बेच रहे हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस? ऑब्वियसली लॉस होगा। कितने का लॉस हुआ, देखिए हमने पढ़ा था लॉस किस में लिखाएंगे, कैपिटल में। कितने का लॉस हुआ, 500 रुपीज़ का लॉस हो गया। 4,500 रुपये यू विल रिसीव, मशीनरी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, स्टॉक 5,000 से लेस हो जाएगा, लेस कर दो ना यहाँ पे, माइनस कर देते हैं, चलो वैसे ब्रैकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 एंड 500 भी लेस हो जाएगा, या क्रेडिटर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 130,000 प्लस 4,500, 1,34,500 ये आंसर है इसका। इसका टोटल रहेगा 40,000, यहाँ पर बैलेंस बचेगा आपका 15,000, यहाँ पे बैलेंस वही 40,000, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा आपका 1,49,500। टोटल बराबर होना चाहिए, टोटल बराबर होना चाहिए आपका, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, एसेट साइड्स और लायबिलिटी साइड दोनों साइड बराबर होनी चाहिए आपकी। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट मेड की है, क्रेडिटर्स को पेमेंट मेड करोगे, आपके पास क्रेडिटर हैं ऑब्वियसली हैं, और पेमेंट करोगे तो कैश दोगे तो कैश भी आपके पास है। 10,000 रुपये आपने क्रेडिटर को दिए तो पहले दोगे तो पैसे क्या हो जाएंगे, कम। मशीनरी पर कोई असर नहीं होगा, स्टॉक पर भी कोई असर नहीं होगा। क्रेडिटर देखिए, पहले आपको 40,000 रुपये देने थे, आज आपने 10,000 रुपये उन्हें दे दिए, तो ये क्या हो गए, कम हो गए, कितने से, 10,000 से। तो इम्पैक्ट कितना हुआ, टोटल क्या हुआ, देखिए यहाँ हो गए 1,24,500, यहाँ हो गए 40,000, यहाँ हो गए 15,000, जो बैलेंस पहले ही था यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू 30,000, ये हो गया 1,49,500। इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि मैम ये क्वेश्चन ऐसे कैसे होंगे, मतलब हर टाइम हम अलग अलग करेंगे क्या, मतलब हर टाइम एक नया अकाउंट जोड़ते जाएंगे। तो बेटा इसका सिंपल सा तरीका है, आप सारी ट्रांजेक्शन्स को पढ़ो और पॉसिबल एसेट्स और पॉसिबल लाइबिलिटीज़ को निकालो, जैसे हमने यहाँ किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व करके दिखाती हूँ, ये तो मैंने आपको बस एक स्टार्टिंग थी, तो ऐसे करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बताती हूँ। हमारे पास जितने भी ट्रांजेक्शन हैं ना सारी लेते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा बेस तो वही रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल,
ठीक है, तो टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ओके। ट्रांजेक्शन फिर से पढ़ रही हूं मैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश एसेट आई आपकी, तो आपने लिखना है पहले यहाँ पे कैश, और इज इक्वल टू, इधर ना लायबिलिटी साइड में हमेशा कमी रखते हैं, तो यहाँ पे क्या कही कि आपने कैपिटल, एक आपके पास आ गई कैपिटल। फिर ट्रांजेक्शन पढ़ा दूसरा, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, तो मशीनरी आ गई यहाँ पे ऑन क्रेडिट है, तो ये क्रेडिटर्स आ गए। फिर देखिए परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा ना तो स्टॉक आ जाएगा, और कैश है तो कैश है ही, और क्रेडिट है तो क्रेडिटर्स भी है। ओके, फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश भी है और स्टॉक भी है। फिर इसमें एक दे रखा है पेड रेंट, तो रेंट क्या है, रेंट पे करोगे तो कैश चला जाएगा, और रेंट क्या है एक एक्सपेंस है तो कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। परचेज कार, परचेज कार, कार खरीदी तो कार से बढ़ा दो इसको, और कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है ऐसे करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखी है, देखिए ट्रांजेक्शन नंबर वन परचेज्ड कमेंस्ड बिजनेस विद कैश दे रखा है 1,50,000, तो यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा 1,50,000, और मशीनरी में कोई इम्पैक्ट नहीं, स्टॉक पे भी कोई नहीं, कार पे भी कोई नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं, और कैपिटल पे 1,50,000। ठीक है, इसका बैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, मशीनरी खरीदी क्रेडिट पर, तो कैश पर कोई इम्पैक्ट नहीं, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी विल इंक्रीज बाय 40,000 रुपीज, क्रेडिट पे खरीदी है स्टॉक पे कोई असर नहीं, गाड़ी पे कोई असर नहीं, क्रेडिटर विल इंक्रीज बाय 40,000, ये प्लस में जीरो, जी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं। बैलेंसिंग करेंगे 1,50,000, 40,000, जीरो जीरो, 40,000, 1,50,000। थर्ड इक्वेशन क्या रही है, परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर 20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा है कैश में, कितने रुपए में, 20 रुपए, 20,000 में, तो कैश चला जाएगा 20,000 रुपए से, मशीनरी पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, स्टॉक विल इंक्रीज बाय 20,000, स्टॉक आ जाएगा, कार पे कोई असर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, और यहां पर भी कोई इंपैक्ट नहीं है। थर्ड ट्रांजेक्शन का टोटल कर देंगे, ये हो गया 1,30,000, मशीनरी रहेगी 40,000 की, स्टॉक रहेगा 20,000 का, कार अभी भी जीरो ही है, और ये कैपिटल रहेगी 1,50,000। उसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन परचेज ए कार, एक कार को आपने खरीदा है, परचेज ए कार, कार खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है, कार को आपने खरीदा है 40,000 रुपीज में, तो कार खरीदोगे तो बेटा पैसे चले जाएंगे, 40,000 रुपीज चले जाएंगे, यहाँ देखिए ये जीरो सर, यहाँ पे भी जीरो, बट कार विल इंक्रीज बाय 40,000 रुपीज, जीरो जीरो, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले ही आइडेंटिफाई कर ले, यहां बच गए 90,000 रुपीज, ये जीरो, ये सॉरी 40,000, 90,000 कैश है, मशीनरी है 40,000 रुपीज की, स्टॉक है 20,000 रुपीज का, कार हो गई 40,000 रुपीज की, क्रेडिटर्स भी आपके 40,000 के ही हैं, और कैपिटल हो गई 1,50,000, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेमेंट मेड टू डेट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 10,000 रुपए की, तो कैश, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, कैश कम हो जाएगा भी 10,000 रुपए से,
मशीनरी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, स्टॉक पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कार पर भी कोई असर नहीं है, बट जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो 10,000 से कम हो जाएंगे, कैपिटल पर भी कोई असर नहीं है, बैलेंस बचेगा 80,000 कैश, 40,000 मशीनरी, 20,000 स्टॉक, 40,000 कार, 30,000 क्रेडिटर्स और 1,50,000 कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने क्या किया, सोल्ड है गुड्स ऑफ रुपीज 5,000, 5,000 का सोल्ड था गुड्स और 4,500 में आपने उसको बेचा है, मतलब गुड्स तो कम हुआ 5,000 का और बेचा कितने में, 4,500 में, तो पैसे कितने मिले, जितना बेचा है तो 4,500 आपको रिसीव हो गए, नो इम्पैक्ट, गुड्स कम हो गया 5,000 से, कार पे कोई इम्पैक्ट नहीं, क्रेडिटर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं और कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं। कैपिटल पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 5,000 का प्रोडक्ट था, 4,500 में बेच दिया, 500 रुपए का लॉस, तो यहाँ पे लॉस कम करेंगे हम कैपिटल में से, यहाँ बचेगा 75,500 रुपीज इन कैश, 40,000 मशीनरी, 15,000 स्टॉक, 40,000 की कार बचेगी, 30,000 यहाँ हो जाएगा एज इट इज, यहाँ होगा 1,49,500। क्वेश्चन है अगला, रेंट पेड, आपने रेंट पे किया है 500 रुपीज का, तो रेंट यहाँ पे करोगे तो 500 रेंट चला जाएगा, कैश जाएगा, जो इम्पैक्ट जीरो रहेगा, बाकी एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे 500। बैलेंस बचेगा, कैश बचेगा 75,500, ओनली 75,000 बेटा, 500 डिडक्ट हो गए हैं, 40,000 इन मशीनरी, 15,000 स्टॉक, 40,000 क्या है, कार और क्रेडिटर्स आपके बचे हैं 30,000 रुपीज के, और 1,49,000 रुपीज का आपका कैपिटल बच गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था आपका किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग इक्वेशन से, आपने ऐसे ही करना है बेटा, आप प्रैक्टिस करो और कोई डाउट होता है तो प्लीज मेरे से पूछो, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय डियर स्टूडेंट्स।